नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। यदि हम विदेश नीति की बात करें तो हमें अमेरिका और चीन पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, भरोसा तो आज की तारीख में आप किसी भी देश पर नहीं कर सकते। आज की विदेश नीति ये कहती है कि आप अपने हितों को जितना साध सकते हैं साथ लीजिए, पर ना यहाँ पर कोई स्थायी शत्रु है ना कोई स्थायी मित्र। आज की वर्तमान विश्व कूटनीति ये है। पुराने समय जैसा नहीं कि यदि रूस और भारत दोस्त हैं तो वो दोस्त हैं, अच्छी बुरी हर परिस्थिति में वो दोस्त हैं। और शीत युद्ध के समय भी भारत और रूस ने जिस तरीके से दोस्ती निभाई है उसने विश्व के समीकरणों को बदला है। लेकिन आज की तारीख में ब्रिटेन और अमेरिका बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन हो सकता है ये हालात कहीं ना कहीं जाके बदल जाएं। अभी ये जो दोस्ती है वो मतलब की दोस्ती है, मजबूरी की दोस्ती है, लेकिन ये दोस्ती बदल भी सकती है। इसी तरह अमेरिका की तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया क्योंकि जरूरी है। चीन का जो खतरा है उसे कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हमें अमेरिका से दोस्ती मजबूत करनी होगी, लेकिन अमेरिका हम पर दबाव ना बना पाए इसलिए चीन की तरफ भी, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है, चीन हमारे बिल्कुल करीब है, अमेरिका हमसे दूर है। तो हमें विदेश नीति में जो कदम मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए हैं वो ये बेहतर है कि आप उन तक पहुंचे हैं, उन तक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वो कितना साथ निभाते हैं ये उनके ऊपर है। लेकिन आज की कूटनीति ऐसे नहीं हो सकती कि आप मुंह फुलाकर घर पे बैठ जाएं और आप किसी को अपना स्थायी शत्रु मानकर उससे बात ही ना करें। लेकिन एक खतरा ये भी है कि कुछ तत्कालीन समीकरणों के कारण आप किसी को स्थायी मित्र भी नहीं मान सकते। आपको सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा और हर कदम पर यह देखना होगा कि हमारे हितों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। जयदीप जी, काले धन का मुद्दा जो है चुनावी जुमला बनकर रह गया है। एक और ऐसा मोर्चा है जिस पर मोदी सरकार ने बहुत जबरदस्त विरोध का सामना किया है। चुनाव में जिस तरीके से वो कहते थे कि 100 दिन में हम काला धन वापस ले आएंगे देश का, शायद वो खुद भी जानते थे कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारे नियम कानून इससे जुड़े हैं। सरकार किसी को भी सीधे सजा देने की स्थिति में नहीं होती, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो किसी को भी अपराधी घोषित करके या काला धन वापस लाना भी अपने आप में एक प्रक्रिया है, जिसमें द्विपक्षीय संबंध जो हैं दूसरे देशों से वो भी आते हैं और ये द्विपक्षीय संधियाँ जो हुई हैं दूसरे देशों से, इसमें NDA और UPA दोनों की सरकारें मिल रही हैं, जिसके तहत हमें कुछ जानकारियां एक दूसरे साझा करनी है, कुछ नहीं करनी है। तो काला धन असल में एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर देश में जो भावनाएं हैं उसका उबाल जो है वो बहुत ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाकर विदेशों में भेजा है और देश में टैक्स जमा नहीं किया है जिसकी वजह से हमारा विकास उतना नहीं हो पाया जितना हो, तो वो उस काले धन को वापस लाना चाहिए। वो काला धन कितना है इसको लेकर संशय है, वो कैसे वापस आएगा इसको लेकर कोई साफ नीति सामने नहीं आती। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार की एक बड़ी चुनौती होगी कि वो आने वाले समय में ये साबित करे कि उनके लिए ये कुछ कदम उठाए, SIT का गठन किया, फिर कानून बनाया काले धन को लेकर। लेकिन ये सब क्या है, कागजी कदम है। जनता तो केवल तब मानेगी जब ठोस रूप में कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे जिन्होंने इस तरह का काम किया था और वहां से उस धन को वापस लाकर भारत सरकार की तिजोरी में जब तक जमा नहीं कर लिया जाता इसके बीच में कोई और विकल्प मोदी सरकार के पास नहीं है खुद को सही साबित करने का। निवेश की बातें भी बहुत हो रही है लेकिन धरातल पर कोई बहुत ज्यादा दिखाई कुछ दे नहीं रहा है। देखिए, निवेश भी एक ऐसा मसला है कि अब कागजों पे जो सौदे हो जाते हैं वो जमीन पे उतर नहीं पाते। हमारे आप यहाँ देख लीजिए कि इन्वेस्टर मीट्स होती हैं, इन्वेस्टर मीट में करोड़ों अरबों के सौदों की बात होती है लेकिन 5-5, 10-10 सालों तक भी जमीन पर वो नहीं नजर आते। तो ये कागजी प्रक्रिया होती है, समझौते हो जाते हैं, दो देशों की यात्रा जब चीन जाते हैं जापान जाते हैं तो हजारों करोड़ों के सौदों की बात होती है, लेकिन उसको पूरा जमीन पर लाना, उसके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको समझना, ये बहुत प्रोजेक्ट की स्टडी होना, फिर दोनों देशों के बीच क्या जब संबंध हुए थे या दो व्यावसायिक जो गुट हैं उनके बीच में जो उस वक्त संबंध हुए थे क्या संबंध वैसे ही सौहार्दपूर्ण है या उसकी जो तालमेल है वो बिगड़ गया है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन निवेश आना जरूरी है, निवेश के बिना विकास निश्चित तौर पर उस गति से नहीं हो पाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ आपने जो दो और नारों की बात की थी जिसकी हम संक्षिप्त पड़ताल की बात करें, जिसे डिजिटल इंडिया की बात है, आप डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि 800, 1000 या 1500 रुपए महीना देने के बाद भी लोगों को जो डेटा प्लान है उसके तहत वैसी कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही जैसी मिलनी चाहिए। ईमेल नहीं आते, फोटो नहीं आते, वीडियो नहीं आते, लोग परेशान होते रहते हैं मोबाइल पर साइट्स खोलने के लिए, वीडियो खोलने के लिए। तो एक तरफ आप डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कनेक्टिविटी की हालत यह है कि वो डेटा ही नहीं मिल पाता। 2G हमारे यहाँ उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, 3G का भी जो लोग प्लान ले लेते हैं उनको भी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती, ब्रॉडबैंड और दूसरा जो लीज लाइनें हैं वो इतनी अधिक महंगी हैं कि जिन कंपनियों का काम इंटरनेट के बिना चल नहीं पाता वो तो ले लेते हैं लेकिन आम आदमी क्या करेगा। तो जब तक आम आदमी
इस डिजिटल इंडिया अभियान से नहीं जुड़ पाएगा तब तक मुझे लगता है कि हम डिजिटल इंडिया के नारे को सार्थक नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात थी, तीसरी बात थी मेक इन इंडिया की। तो अब मेक इन इंडिया देखिए, नारा तो बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। बात यह हो रही कि हमारे यहाँ आजकल जो दिवाली की झालरें हैं और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं और होली की पिचकारियां हैं वो तक मेड इन चाइना आती हैं। हमारे बाजारों पर चीन का जिस तरीके से जबरदस्त कब्जा हुआ है वो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में प्रधानमंत्री चीन की यात्रा भी करके आए हैं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि मेक इन इंडिया में केवल बड़े उद्योग नहीं, वो छोटे लघु और कुटीर उद्योग भी शामिल होने चाहिए, जिसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था की धमनियां जो हैं वो ठीक तरीके से काम करती रही हैं अभी तक। लेकिन वहां पर जो अब एक तरह की तंगहाली आ गई है, जिस तरीके से छोटे उद्योगपति अपने धंधे को मजबूर करकर कोई नौकरी तलाशने को या किसी और राह पर मुड़ने को मजबूर हो गए हैं, लोग जिस तरीके से फॉरवर्ड ट्रेडिंग करके उसमें पैसा लगा रहे हैं और जिस तरह की आत्महत्याएं सूदखोरी की वजह से पिछले दिनों में पूरे भारत में नजर आई हैं, मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है और ये सीधा सीधा मेक इन इंडिया से जुड़ा है। मेक इन इंडिया का मतलब बड़े उद्योग और कारखाने नहीं है, मेक इन इंडिया का मतलब वो छोटे दिया बनाने वाले, कुल्हड़ बनाने वाले, झालर बनाने वाले, प्रतिमाएं बनाने वाले कारीगर भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया के नारे को हमेशा बुलंद किया है, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और जो विदेशी बाजार से हमारे दुकानें पटने लगी हैं क्योंकि वो इतना सस्ता माल है कि आप यहां बनाने के बजाय वहां से खरीदना पसंद करेंगे और वहां से आने के बावजूद वो हिंदुस्तान में आकर सस्ता पड़ता है, तो हमें अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए, इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो नीति बनानी होगी वो सचमुच मेक इन इंडिया के नारे को सार्थक कर पाएगी। मोदी सरकार को अपने शेष कार्यकाल में किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? मुझे लगता है एक तो अर्थव्यवस्था का जो मोर्चा है, महंगाई का जो मोर्चा है, वो बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है। जो बड़ी बातें नीतियों के स्तर पर जो बड़े काम वो करना चाह रहे हैं वो सब अच्छे हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन आम आदमी सबसे पहले ये देखता है कि महीने भर का जो मेरा पगार है, जो कमाई है, उससे मैं दाल रोटी सब्जी चलाकर अपने परिवार को सुखी कैसे रखूं। और उस मोर्चे पर जब तक उसकी दिक्कतें बनी रहेगी उसके लिए कोई भी बड़ा नारा, अभियान या जुमला किसी काम का नहीं है। तो आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, अच्छे दिन सचमुच लाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत तगड़े प्रयास करने होंगे और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को बहुत तेजी से काम करना होगा। निश्चित तौर पर अरुण जेटली जी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण अगले 4 साल होंगे और 4 साल तक जनता इंतजार वैसे नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो अगले 1-2 साल में परिणाम नहीं देखेगी तो फिर निराशा का माहौल शुरू हो जाएगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।